दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए कोच बनकर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, साथ में टीम के साथ जुड़ गए चार बड़े खिलाड़ी। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। इसके पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की जीत के बाद दूसरे टेस्ट मैच के लिए कोच बनकर महेंद्र सिंह धोनी विशाखापट्टनम पहुंच चुके हैं और उनके साथ टीम के अंदर चार बड़े बदलाव भी देखने को मिल गए हैं जो रातों रात विशाखापट्टनम की धरती पर पहुंच चुके हैं। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी के साथ कौन से चार खिलाड़ी विशाखापट्टनम की धरती पर पहुंच गए हैं, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में उनके शामिल होने से भारतीय टीम में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से कौन है महान टेस्ट बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है जिसकी शुरुआत 25 जनवरी से हो चुकी है। 25 जनवरी से खेले गए पहले टेस्ट मैच में हैदराबाद के मैदान पर मात्र 4 दिन के अंदर खेल समाप्त हो गया और भारतीय टीम इस मैच को 28 रन से हार गई। इसके बाद अब भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से 5-6 फरवरी तक विशाखापट्टनम के मैदान पर खेलना है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने महेंद्र सिंह धोनी को कोच बनाने के साथ विशाखापट्टनम के लिए रवाना कर दिया है। दरअसल भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के अंदर हार का सामना किया है, जिसके बाद बीसीसीआई एक्शन में आ चुका है। ऐसे में बीसीसीआई ने गुस्से में आग बबूला होते हुए राहुल द्रविड़ पर सवाल उठाए हैं और लगभग जीत की तरफ बढ़ने वाले मैच के अंदर भारतीय टीम को हार मिलने के बाद महेंद्र सिंह धोनी को टीम के साथ जोड़ने की बात तेज हो चुकी है। ऐसे में अब राहुल द्रविड़ की जगह पर महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम के सहायक कोच के रूप में टीम के अंदर शामिल करने की मांग तेज हो चुकी है। ऐसे में अब महेंद्र सिंह धोनी विशाखापट्टनम की धरती पर रातों रात दूसरे मैच में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ऐसे में इनका साथ देने के लिए विशाखापट्टनम की धरती पर चार बड़े खिलाड़ियों की भी टीम इंडिया में एंट्री के साथ जोड़ने के लिए दौरान हो चुकी है। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी के साथ विराट कोहली, ऋषभ पंत, मोहम्मद शमी और रिंकू सिंह को टीम में शामिल कर लिया गया है, जो महेंद्र सिंह धोनी के साथ विशाखापट्टनम रातों रात पहुंच गए। आपको बता दें, विराट कोहली पहले 2 मैच के अंदर पर्सनल रीजन के कारण भारतीय टीम से बाहर थे, लेकिन भारतीय टीम के खराब स्थिति को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को शामिल करने के लिए बुला लिया है। इसके अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को भी टीम की स्थिति को देखकर शामिल कर लिया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय टीम की गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए तेज गेंदबाज आवेश खान के बाहर होने पर मोहम्मद शमी की भी एंट्री हो चुकी है। साथ में श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के खराब प्रदर्शन के चलते रिंकू सिंह को टीम में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में इनके आ जाने से भारतीय टीम की गेंदबाजी के साथ साथ भारतीय टीम के बल्लेबाजी भी मजबूत हो जाएगी और भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के अंदर जीत हासिल कर सकती है, जहां पर इन चारों खिलाड़ियों को श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज और श्रीकर भरत की जगह टीम में खेलने के लिए शामिल किया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के अंदर इन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सकता है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टेस्ट में हार के बाद भारतीय दिग्गजों ने बीसीसीआई से करी बड़ी मांग, टीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव करने के लिए गुजारिश करते हुए दे दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर से लेकर सुनील गावस्कर, इरफान पठान ने भारतीय टीम में बड़े बदलाव करने की मांग करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय दिग्गज टीम में बड़े बदलाव करने हेतु क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से किस खिलाड़ी की कमी आपको इस टेस्ट मैच के अंदर भारतीय टीम की हार के बाद महसूस हुई? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीतने की कोशिश की, लेकिन 28 रन से मैच को हार गई। ऐसे में अब भारतीय टीम को 2 फरवरी से दूसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम के मैदान पर खेलना है, जिसके लिए दोनों टीम पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच भारतीय दिग्गजों ने बीसीसीआई से बड़ी मांग करते हुए टीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव लिए, जिसमें इरफान पठान ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच को अपने नाम किया है। हालांकि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की कुछ गलतियां देखने को मिली हैं, जहां पर ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय टीम के अंदर बल्लेबाजी सबसे बड़ी कमजोरी रही है।
भारतीय टीम के गेंदबाजों ने तो अपना कार्य कर दिया है, लेकिन बल्लेबाजों ने कुछ खास कमाल नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है टीम के अंदर बल्लेबाजी के दौरान कुछ बड़े बदलाव होने चाहिए। अगर भारतीय टीम के अंदर विराट कोहली की जल्द से जल्द एंट्री हो जाए तो भारतीय टीम से आधे से ज्यादा समाप्त हो जाएगी समस्या। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि विराट कोहली को अगर भारतीय टीम के अंदर जल्द से जल्द शामिल कर लिया जाए तो भारतीय टीम का दूसरा टेस्ट मैच जीतना लगभग पक्का हो जाएगा। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच को अपने नाम नहीं किया है। हालांकि भारतीय टीम की तरफ से कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले जिसके चलते भारतीय टीम ने दिक्कत का सामना किया और पहला मैच अपने हाथ से गवा दिया, लेकिन अब दूसरे मैच के अंदर टीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव होने चाहिए। जहां पर मेरा मानना है कि टीम के अंदर सबसे पहले एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री होनी चाहिए जो टीम की स्थिति के अनुसार बल्लेबाजी करना जानता हो। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई ने ध्रुव जुरेल को टीम के अंदर शामिल करने से कोई बड़ा फायदा हासिल किया है। उनकी जगह पर अगर रिंकू सिंह को शामिल किया जाता है तो ये काफी फायदेमंद साबित होता है, जो अभी भी हो सकता है। और तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने पहले मैच को अपने नाम नहीं किया है, ऐसे में टीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव तो होने चाहिए। मुझे लगता है कि टीम के अंदर एक ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी होना चाहिए जो बिल्कुल विरोधी टीम इंग्लैंड के बेन स्टॉक्स की तरह रहना चाहिए, जो टीम के अंदर बाद बैलेंस प्रदान कर सके। इसके अलावा उन्होंने अभी बयान देते हुए कहा है कि हार्दिक पांड्या तो चोटिल है, लेकिन शिवम दुबे ने जिस प्रकार से घरेलू फॉर्मेट में बेहतर प्रदर्शन किया है और भारत के लिए भी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है, उसके चलते उनको टीम के अंदर शामिल कर लिया जाए तो भारतीय टीम की बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकती है। ऐसे में शिवम दुबे के आने से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों काफी बेहतर होने की उम्मीद है और भारतीय टीम दूसरे टेस्ट मैच को भी अपने नाम कर सकती है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने पहले मैच को अपने नाम नहीं किया है। हालांकि टीम के अंदर अब बड़े बदलाव होने चाहिए क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से सातवें विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में अब उनकी जगह पर विराट कोहली की जल्द से जल्द टीम में एंट्री होनी चाहिए, साथ में रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी की एंट्री टीम के अंदर अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इन दोनों के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री विकेटकीपर के तौर पर हो जाए तो भारतीय टीम की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर ये भी सभी खिलाड़ी दूसरे टेस्ट में टीम के अंदर शामिल होते हैं तो भारत मैच अवश्य जीतेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में जीतने के लिए कौन से बड़े बदलाव करने पड़ेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, भारत के खिलाफ पहला टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड के दिग्गजों ने उगला जहर। क्लीन स्वीप की धमकी देते हुए दिया खून खौला देने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इंग्लैंड के दिग्गजों ने भारत को धमकाया है। इस दौरान मोइन अली ओलीपॉप से लेकर बेन स्टॉक्स जेम्स एंडरसन ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए क्लीन स्वीप की धमकी देते हुए देखा आप कभी खून खौल उठेगा। तो आखिर इंग्लैंड के दिग्गजों ने भारत को धमकाते हुए क्या कहा है, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच हैदराबाद के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने चौथे दिन के अंदर 28 रन से हार का सामना किया है और सीरीज में पीछे हो गई है। ऐसे में भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से 6 फरवरी तक विशाखापट्टनम के मैदान पर खेलना है, जिसके लिए दोनों टीमें तैयारी में लग गई हैं। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के खिलाड़ी घमंड में चूर हो गए। इस बीच इंग्लैंड के तमाम खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए बचे हुए 4 मैच के अंदर हराने की धमकी देते हुए भड़काऊ बयान जारी कर दिया है, जिसमें मोइन अली ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम के खिलाफ हमने जीत हासिल की है, ऐसे में भारतीय टीम काफी ज्यादा दिक्कत में दिखाई दे रही है।